शास्त्रों का सार है गीता, इसलिए इसको उपनिषद भी कहा है। उपनिषद ने पास बैठ के सुनाया गया। जब तक पास नहीं आते हैं, दिल से जो कहने वाले और सुनने वाले में बड़ा फासला रहता है। कहने वाले कुछ कहते जाते, सुनने वाले अपने ही मतलब की बात उसमें से निकाल देते। नहीं, पहले पास आके बैठे, अर्जुन बनो। अर्जुन का मतलब ही यही है। अर्जुन शब्द का अर्थ जिनमें पिपासा है, ज्ञान की पिपासा, जो चाहता है कुछ सीखना, जानना और मुक्त होना चाहता है। अर्जुन बने तो ही कृष्ण नजर आए। पास आके बैठे तब ना शुरू हुआ गीता। श्रीमद् भगवद गीता शुरू होती है प्रश्न से। वैसे सबका जीवन प्रश्न से ही शुरू होता। बचपन में देखो, तीन साल से बच्चे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। मम्मी वो कैसा है, वो क्यों है, बादल क्यों जा रहे हैं आकाश में, कहाँ जाते हैं बादल, अब तारे क्यों चमकते हैं, वहां क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लगातार पूछते रहते। एक दिन में हजारों सवाल पूछ लेते हैं बच्चे। पूछते हैं कि नहीं? कभी तंग आ जाते हैं माँ बाप, लेकिन इनके पास उत्तर तो होता नहीं सब प्रश्नों का। तो महाभारत का एक अविभाज्य अंग श्रीमद् भगवद गीता शुरू होता ही प्रश्न से। भगवान से कई बातें सुन करके बोलता है, सुनने वाले अपने ही मतलब की बात उसमें से निकाल देते। नहीं, पहले पास आके बैठे, अर्जुन बनो। अर्जुन का मतलब ही यही है। अर्जुन शब्द का अर्थ जिनमें पिपासा है, ज्ञान की पिपासा, जो चाहता है कुछ सीखना, जानना और मुक्त होना चाहता है। अर्जुन बने तो ही कृष्ण नजर आए। पास आके बैठे तब ना शुरू हुआ गीता। श्रीमद् भगवद गीता शुरू होती है प्रश्न से। वैसे सबका जीवन प्रश्न से ही शुरू होता। बचपन में देखो, तीन साल से बच्चे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। मम्मी वो कैसा है, वो क्यों है, बादल क्यों जा रहे हैं आकाश में, कहाँ जाते हैं बादल, अब तारे क्यों चमकते हैं, वहाँ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लगातार पूछते रहते। एक दिन में हजारों सवाल पूछ लेते हैं बच्चे। पूछते हैं कि नहीं? कभी तंग आ जाते हैं माँ बाप, लेकिन इनके पास उत्तर तो होता नहीं सब प्रश्नों का। तो महाभारत का एक अविभाज्य अंग श्रीमद् भगवद गीता शुरू होता ही प्रश्न से। कहते हैं बिना पूछे कुछ बोलना नहीं है, बेवकूफी है, बुद्धिमत्ता का लक्षण है। हम तो सलाह देते रहते हैं ना लोगों को, जो पूछे ना पूछे,
सलाह देते जाओ, ये नहीं, पूछें तो ही जवाब दें। और जिस बात में कोई पूछता है तभी बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी कथा शुरू कर देते हैं। घर में कोई आता है मेहमान, बस उनकी उनका सुख दुख नहीं पूछते हैं, उनके सामने आओ कहते हैं आप कहाँ गए थे, मैं चंडीगढ़ गया था। आप चंडीगढ़ हो, हम भी गए थे। किसने पूछा भाई तुम्हें, तो भी गया था कि नहीं गया था। आप अपना शुरू कर देते हो उनको, और जब शुरू हो जाता है बंद करना नहीं जानते। यही चक्रव्यूह है अभिमन्यु का, कि शुरू तो कर दिया बोलना। हम अपने आपसी संबंध इस तरह से बोल बोल के बिगाड़ लेते। जो कम बोलता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो बहुत ज्यादा बोलता है कम बुद्धिमान है। और बिना पूछे बोलने लगता है तो वो तो बुद्धिहीनता है। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चर्य किम कुर्वत संजय। राजा अंधा मगर बुद्धि से बड़ा चलाक, तो वो पूछता है क्या हुआ बताओ। तब संजय बोलने लगते हैं, देखिए हमारी जो जो भी शास्त्र हुए हैं आज तक, वे सब प्रश्न पूर्वी का है। कोई ना कोई पूछता है प्रश्न, फिर कोई और उत्तर देते हैं। पार्वती जी पूछती है, शंकर जी उत्तर देते हैं, एक फिर आगम शास्त्र शुरू हो गया। इसी तरह शौनकादि ऋषि पूछते हैं, फिर सूत महर्षि उसके उत्तर रूप में देते हैं। वो प्रश्नोत्तर के रूप में ही हमारे सारे ग्रंथ की रचना हुई है। तो गीता में प्रश्न जब पूछा, बताओ मुझे क्या हो रहा है, एक तरह से आप सब अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। हम अपने को जानते ही नहीं, हमारे मन में क्या क्या होता है पूछ पता नहीं। आज ही हमने अखबार में पढ़ा, कोलंबिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, वैंकूवर में किसी ने टेस्ट किया था कि देखते हैं एक आदमी बिना सोचे समझे काम करता है 40% टाइम। कई लोग तो 90% टाइम जो है, 90% जो भी काम करते हैं बिना सोचे समझे करते जाते हैं। ये अंधे हो तो अंधे नहीं हो तो और क्या। हम अंधे हैं अपने मन के प्रति, जानते नहीं क्या हो रहा है, यहाँ कितना बड़ा युद्ध हो रहा। यही धर्म क्षेत्र है, यही ये कुरुक्षेत्र, हर एक शरीर में कुरुक्षेत्र मैंने कर्म चल रहा है। हमारे मनुष्यों ने कभी भी शास्त्र को या इतिहास को एक देशी नहीं बनाया। एक देशी माने एक किसी देश में काल में हुआ हुआ घटना हो, ऐसा नहीं दिखा। इसको एक अपौरुषेयत्व को दिया था। अपौरुषेयत्व माने जिनका काल के सीमा से परे, किसी से रचाया हुआ नहीं मगर परमात्मा का ही बनाया हुआ। तो देश काल की सीमा के बाहर बताया माने जो निरंतर चल रहा है। तो ऐसे गीता निरंतर हो रही, फिर गीता क्यों कहा? भगवान रहते हैं दिल में, और दिल से जो निकलता है वो गीत गीत ही हो सकता है, विचार नहीं। दिमाग से विचार निकलते हैं, दिल से गीत ही निकलेगा। आत्मा का जो क्षेत्र है, यो बुद्धि परतत्व सा, बुद्धि के परे जो जाओगे, तर्क वितर्क से आगे जाओगे, एक भाव के रस में डूबोगे, वहां से प्रकाश होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों के, सभी जानवर जंतुओं के, प्राणी पशु पक्षियों के
दिल में बसा हुआ है और दिल में से जो निकलता है वो गीत ही होगा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता जो आत्मगीता है, आत्मा का उद्गार है। श्री कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना, श्री कृष्ण एक शक्ति है और निरंतर शक्ति है जो सबके दिल में हमेशा बसा हुआ है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, मुझे जानते नहीं लोग, मुझे देख मुझे मनुष्य समझ रहे हैं सारे लोग, अवजानंती गलत ढंग से मुझे मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। मैं इस मनुष्य तनु के आश्रय में हूँ, इस मनुष्य तन में हूँ, मगर मनुष्य तनु नहीं हूँ। इस शरीर के आश्रय में मैं हूँ, मुझको ये लोग जानते नहीं, मुझे मनुष्य समझ रहे हैं। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषीं, मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि वाले इस तरह से जानते हैं, परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। इस सारे भूत, ये पंचभूत जो है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आदि, इन भूतों के बीच में इन सब के अधिपति जो चैतन्य सत्ता है, पराशक्ति है, उस परातत्व को जानते नहीं, अनभिज्ञ हैं उससे, इसीलिए मुझे मनुष्य समझ रहे हैं, एक रूप का समझ रहे हैं, एक आकार वाला समझ रहे हैं। तो वह चैतन्य शक्ति जो सबके दिल में बसा है, निरंतर सर्वकालीन, फिर उसकी गीता भी सार्वकालीन और सार्वजनिक होगा ही। तो एक देशीयता का कहीं भी स्पर्श तक नहीं होने दिया ऋषि मनीषियों ने। तो संजय से पूछा कि बताओ क्या हो रहा है। फिर संजय बताते हैं, ऐसे ऐसे महारथी सब इकट्ठे हुए हैं, एक तरह से दुर्योधन और दूसरी तरह से पांडव, कौरव पांडव की सेना का परिचय देते हैं। अब सबसे पहले कौरव बात करता है, प्रासंगिक देखो, कौरव अहंकार का प्रतीक, दुर्योधन अहंकार का प्रतीक, और अहंकार उठ खड़ा होता है कि अपने पिता महा से यही बोलता है, आप इतने बड़े क्या फायदा, देखो दूसरे पक्ष में क्या कौन कैसे कैसे लोग हैं। अपर्याप्तम, हमारे जो है ये अपर्याप्त है, पूरा नहीं है, उनका देखो वो इतना पर्याप्त है, उसकी सेना। छोटा दिमाग का व्यक्ति हमेशा दूसरों पर नजर रखता है और देखता वो ठीक है, मेरे पास काफी नहीं है, कम है, अपने पर दृष्टि नहीं होता, बाहरी दृष्टि जाती है। तो दुर्योधन पहले अपना नहीं बताता, हमारे पास क्या क्या शक्ति है, ये कमजोरी का लक्षण। जो व्यक्ति कमजोर होता है वो हमेशा दूसरों को देखता रहता है, खुद को देखने से कमजोरी मिट जाएगी, आत्मशक्ति जाग जाएगी, नहीं दूसरों को देख देख के जलता रहेगा। मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों को, कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो। तुम यदि रनिंग रेस, तुम्हें रनिंग रेस दौड़ लगाना हो तो दौड़ लगाओ, पूरा अपना ताकत लगा के दौड़ लगाओ, पर आजू बाजू में देखते हुए दौड़ने की चेष्टा करोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुम हार जाओगे, हार निश्चित है। दुर्योधन की मनोदिशा ऐसे ही थी, तो वो देखता रहा कि दूसरे उसमें कौन कौन है,
वो देख देख के जलता था, ऐसे महारथी सब वहां है। और कैसे कैसे महारथी, आप देखो आपके जीवन में आप कहां खड़े हो, दुर्योधन के स्थान पे खड़े हो कि पांडव के स्थान पे खड़े हो। समीक्षा कैसे करते हो, दूसरों को देखते कहते हैं उनमें पर्याप्त है, आप मुझ में अपर्याप्त है, मेरे में कमी है, तो कहने से ईर्ष्या होगी तो और क्या होगा, ईर्ष्या नहीं होगी तो और क्या होगी। ईर्ष्या का जड़ यहां से है, मैं अपर्याप्त हूं वो पर्याप्त, उनमें उनके पास बहुत है मेरे पास नहीं है, मेरे पास कमी है। तो ईर्ष्या से पीड़ित, क्रोध से आक्रांत, अहंकार से सवाल कर रहा है अपने ही भीष्म पितामह से, आप हमारे पास हो ऐसे महारथी क्या फायदा, आप सबके होने के बाद आपने क्या किया मुझे। कई बार बच्चे अपने माँ बाप से ऐसे पूछ बैठते हैं, आपने क्या बड़ी बड़ी चीज करे। और देखिए वहाँ पड़ोसी के जो उनके पिता, देखिए उनके लिए कितना छोड़ रखे, आपने हमारे लिए क्या दिया। जब एक तरह का डिमांड करते हैं तब प्रेम छिप जाता या प्रेम नहीं रहता हो सकता। अहंकार हमेशा दूसरों से मांग करता है, जोर जबरदस्ती करता है। तो बड़े पितामह हैं उनके पास जाके इस तरह से अपना बेगुदी को युद्ध भूमि में उसने प्रकट किया। उसको पता चला कि मैं तो अभी कमजोर हूं, मजबूत नहीं हूं। दो तरह से कमजोरियों को अनुभव करते हैं, एक तो कमजोरियों को अनुभव करके प्रार्थनामय हो जाना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझ में नहीं है, हे भगवान आप ही मेरे लिए कुछ करो, तो तरल और सरल और सहज लोचवान हो जाना। ये दूसरी तरह कमजोरी के साथ आक्रोश और नफरत कर लेना। कमजोरी तुम्हें प्रेम में ला देगा एक तरफ, या कमजोरी तुम्हें नफरत में लाएगा। बलिष्ठ आदमी कभी नफरत नहीं कर सकता, उसको नफरत कैसे करेगा, करके क्या करना है। बलवान आदमी कभी नफरत कर ही नहीं सकता, कमजोर व्यक्ति ही नफरत कर पाए करता है। और जब कमजोरी में प्रार्थना नहीं उठे तो क्रोध और नफरत ही उठता है उसमें। इसलिए कोई नफरत आपसे करता हो तो उन पर दया करो, करुणा करो। नफरत नफरत से नहीं मिट सकता, क्रोध क्रोध से कभी नहीं मिटेगा। नफरत हो या क्रोध हो, आक्रोश हो, वो करुणा से ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो भीष्म पितामह बड़े करुणा के सागर, वो करुणा से क्या के उन्होंने शंख बजाया जोर से। शंख बजाया, जब विचारों के जंगल में हम फंस जाते हैं, विचारों के एक जंजाल में हम फंस जाते हैं, तो वहां से ऊपर उठने के लिए नाद ब्रह्म की जरूरत पड़ती है, शब्द का ब्रह्म, शब्द की आवाज की। अब बच्चे जब रोते हैं उनसे जोर से कोई आवाज हो ना वो रोना बंद कर देते हैं।
इसी तरह से देखिए मंदिर में भी जब पूजा आरती होती है तो एकदम सब घंटानाद और शंख सब बजाते हैं, डमरू तरह तरह के साजों को बजा करके इतना शोरगुल करते हैं तो मन चुप हो जाता है, विचारों से मुक्त हो जाते हैं एक क्षण के लिए। सही कुछ एक रिलैक्सेशन, एक विश्राम, आराम मिल जाता है मन को। ये बड़ा वैज्ञानिक सत्य है। जब हम परेशान होते हैं तो बड़ी सी आवाज कहीं से निकले तो एकदम चुप होते, मन चुप हो जाता है, एकदम चेतना जागती है, हिम्मत जुटाते हैं। फिर तो दुर्योधन में वो हिम्मत जुटाने के लिए इसका मन का जो या जो चल रहा था इसके मन में, जो शिकायत, इन शिकायत से इसको ऊपर उठाने के लिए भीष्म पितामह बोले नहीं, ताकि जो व्यक्ति शिकायत करता है उसको बोलते जाओ कोई फायदा नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे तो उसमें भी उसको शिकायत हो जाएगी, उसमें भी कोई नुक्स निकालेगा, वो ये भी ठीक नहीं बोलेगा, कोई चिल्ला रहा है गला सूख गया उसको, आप एक ग्लास पानी दोगे तो उसमें भी उसको गुस्सा आएगा, वो पानी उठा के आपके ऊपर फेंक देगा। उसको ये अपना खुद का कोई एहसास नहीं हो रहा है जब, क्यों बाहर बहिर्मुखता में वो गायब हो गया, खो गया वो बहिर्मुखता में, तो उनके भीतर कंपन हो रही है इसका उसको परिज्ञान ही नहीं है। इसलिए क्रोधित व्यक्ति के लिए बहुत करुणा अभिव्यक्त करना चाहिए हम लोग। कमजोरी नहीं समझना, कोई क्रोध में आता है तो हम भी क्रोध करेंगे तभी हम अपना बल दिखाएंगे, नहीं, आप भूल कर रहे हो। एक व्यक्ति क्रोध में चिल्ला रहा है तो वो बीमार है, तो करुणा ही उसके लिए दवा है। बातों से नहीं समझा पाएंगे उसको, प्राण शक्ति ऊर्जा को बढ़ाओ तो ये सब मानसिक बीमारियां हट जाती है। प्राणायाम करने से देखो क्रोध आना कम हो जाता है, ईर्ष्या करना बंद हो जाता है, अहंकार पता ही नहीं चलता या इतना बड़ा हो जाता है सारा विश्व को समेटने जैसे, या उसका पता ही नहीं चलता। प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को बढ़ाना ही काम, और वह कैसे होगा, नाद से हो जाता है। एक शब्द है श्रुतियों में, शब्द ब्रह्मणी निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है वो पर ब्रह्म में चला जाता है, नाद से नाद के परे चले जाता है। आकाश का गुण है शब्द और आकाश से परे है आत्म तत्व, तो इसलिए शब्द से, नाद से, संगीत से चलकर निशब्द के ओर जाना ही ध्यान की प्रक्रिया है। शब्द से निशब्द के ओर, शब्द से क्यों कि विचारों के जंजाल में फंसे हैं, शक्तिहीनता में है, शक्तिहीन व्यक्ति को शब्द शक्ति देता है, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए जोर से शंख बजाते हैं भीष्म पितामह। ये एक टेक्निक दे दिया भीष्म पितामह ने, आप भी ऐसा करो, घर में देखो कोई गुस्सा करता हो तो जोर से घंटा बजाओ या शंख बजाओ, कुछ तो आवाज करो। देखो जरा संभाल के करना। शब्द सिर्फ विद्युत तरंग है, हमारा शरीर अरबों करबों अणु परमाणुओं से जो बना है, एक एक अणु में शब्द का विकिरण और संकीर्ण का शक्ति है। शब्द को, तरंगों को ये रेडिएट भी कर सकते हैं हमारा सेल्स, और उसको रिसीव भी कर सकते हैं।
कोई दो चार अच्छी अच्छी बातें आपको कह दें, आपको आपकी प्रशंसा कर दें, देखिए आपके शरीर में एक एक कण में एक विकास का, एक आह्लाद का अनुभव होता है। और कोई गाली आपको दे तो यही शरीर के कण में एक सिकुड़ना आ जाता है, एक असह्य सा अनुभव होने लगता है। लोग खुशामदी इतना पसंद क्यों करते हैं पता है? ये बड़ा वैज्ञानिक सत्य है इसके पीछे। खुशामदी इसलिए पसंद करते हैं, जब लोग खुशामदी करते हैं कुछ एनर्जी मिलने लगती है शरीर को। पर ये बेवकूफ लोग है कि जानते नहीं हम खुद ही शक्ति के स्रोत हैं, एनर्जी के स्रोत हैं। दूसरों से प्रशंसा की जरूरत है ही नहीं, और वो भी झूठी प्रशंसा। सच में प्रशंसा करे तो वो तो बात अलग होती। अक्सर हमको जो मिलता है लोगों, हमको हमारे लिए नहीं मगर अक्सर जो लोगों को मिलता है प्रशंसा, ये ऐसी झूठी प्रशंसा में होती। इस बात को ध्यान रखना, प्राण शक्ति नाद में, नादोपासना इसलिए कहते हैं। ये पहला कदम साधक के लिए। तो शंख बजाया, जब उन्होंने शंख बजाया तब श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया और दिव्य शंख बजाया। ये फर्क रहा, दिव्यो शंखो पृथक पृथक, पांचजन्यम ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजय। पांचजन्य माने क्या? जो पंच तत्व से जिसका जन्म हुआ है वो पांचजन्य, जो पांच चीजों से जिसका जन्म हुआ। आप हम सब का शरीर किससे जन्म हुआ? पंच तत्व से तो हम सब जन्मे हैं, हम सब शंख है भगवान के हाथ के। और अर्जुन के हाथ में कैसा शंख है? देवदत्त, माने भगवान से दिया हुआ। ज्ञान भी भगवान से दिया हुआ, शरीर भी भगवान से दिया हुआ, हम हमारे भीतर जो कुछ भी है ये सब भगवान से दिया हुआ। ये यदि जान लेते हैं ये सत्य को, फिर हम अर्जुन बन ही जाते हैं। ये सब ईश्वर से दिया हुआ। जब ऐसा आक्रंदन होता है शंखों का, सभी लोग अपना शंख बजाते हैं माने नाद, तो तुमलो विनुनादयन, पूरा नभंच पृथ्वीं चैव, आकाश और पृथ्वी में दोनों में नाद का इतना जोर से घर्षण हुआ, बड़ा भयंकर लगा। हमारे भीतर ऐसे कृष्ण का शंख भी बज रहा है, दुर्योधन का शंख भी बज रहा है। अच्छे बुरे सभी तरह के आवाज उठ रहे हो, सभी तरह के नाद से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी, माने उस नाद का असर मन, आकाश तो मन तत्व में भी, मन में, मन पर भी, शरीर पर भी हुआ। दोनों कांपने लगा, शरीर भी, पृथ्वी भी कांपने लगी, नभ माने आकाश भी कांपने लगा। प्राण शक्ति का ये फायदा होता है, प्राण शक्ति जगे नादोपासन करने से। सिर्फ मन की शांति नहीं, मन की शांति के साथ शरीर में भी निरोग अवस्था आती है। आजकल म्यूजिक थेरेपी करके जगह जगह दुनिया में प्रसिद्ध होने लग गया। लोग आपको लगा देते हैं कि तरह तरह के म्यूजिक ही सुना करके शरीर को ठीक ठाक करने का एक नया साइंस भी आज शुरू हुआ। इस पर काफ़ी संशोधन भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं।
अब अर्जुन जागा, अर्जुन बोलता है अब श्री कृष्ण को, नादोपासन से, नाद से जागी जिज्ञासा। अर्जुन जागे, बोलते हैं भगवान मुझे, भगवान भी नहीं बोलता उस पर, कृष्ण है, हे कृष्ण मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मेरे रथ को, मैं दोनों तरफ जो जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं मैं उनको देखना चाहता हूं। एक जिज्ञासु जब पक्षपाती होता है उसको कोई ज्ञान नहीं मिलता। जिज्ञासु जब एक पक्ष में रहता है तो उसको ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासु को पक्षपात रहित होना चाहिए, किसी पक्ष में हो जाए तो वो देख नहीं पाता। हमें किसी भी वस्तु का, चीज का ज्ञान होना हो तो हमने उससे बाहर होना चाहिए, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर। जो भौतिक ज्ञान जो भी होना तो हमें उसके संपर्क इस तरह से होना चाहिए कि दोनों पक्ष के बीच में रथ को खड़ा करने के लिए भगवान को अर्जुन ने आदेश दिया। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युता, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं। किसी भी परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होना हो तो उस परिस्थिति से बाहर होके ही देना पड़ेगा, तभी वो ज्ञान ठीक होता है। तो जब अर्जुन दोनों पक्षों के बीच में खड़ा हो गया, देखता है उस वक्त उस तरफ कौन है। अभी तक तो उसके मन में दुर्योधन के प्रति खूब नफरत थी, बट जब दुर्योधन के बारे में देखने लगा, उनके पक्ष में कौन कौन है देखने लगा, तो उसका दिल पिघलने लग गया। किसको देखता है? खुद की मामा, आचार्य जिन्होंने इनको सिखाया, मातुलह, मामा लोग बैठे हैं वहां पर जिन्होंने इतना प्यार से इनको पाला पोसा, कितने सारे बंधु मित्र जनता सब है, अपने सगे भाई रिश्तेदार, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। जब हम एक परिस्थिति से बाहर खड़े होके देखते हैं, जिनको दुश्मन समझते हैं, हम उस दुश्मन के भीतर भी कुछ अच्छे गुण को पाने लगते हैं। दुश्मन के भीतर भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे गुण हैं। कहीं बुरा गुण देखते हो, दुर्गुण देखते हो, वो तुम्हें कमजोर नहीं करता, अच्छा गुण तुमको कमजोर कर देता है। दूसरे में अच्छा गुण दिखता हो वह तुम्हें कमजोर कर देगा। दूसरे में बुरा गुण देखते हो तो बस ठीक है, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, दिल नहीं जगता उस वक्त, दिमाग से काम चलाते हो या जोश या द्वेष जगती है। मगर उनमें कुछ अच्छी चीजों को आप देख लोगे तो हाथ नहीं उठता, फिर हाथ कांपने लग जाता है। हर दुश्मन के भीतर भी छिपा हुआ है कुछ अच्छे गुण। तो अर्जुन को यही नजर आया, उसमें भी सब अच्छा गुण, फिर वो बड़ा शास्त्रज्ञ बन गया। जब अपनी बात को सामने रखना हो तो लोग शास्त्रों की बात करने लगते हैं। तब उन्होंने कृष्ण को बोले कि क्या कृष्ण तुमने क्या मेरे से करवा रहे हो ये युद्ध, इन सब लोगों को मार के मुझे पाप नहीं लगेगा? जब किसी को शराब की नशा छोड़ना नहीं हो तो वो कहते हमारे हेल्थ के लिए डॉक्टर ने बोला इसको पीना चाहिए। एक सज्जन बोले वो बहुत उनको अल्कोहलिक थे, माने शराबी थे,
वो बोले गुरुजी पता है डॉक्टर ने कहा मेरे नस मेरे ब्लड अल्कोहल बन गया, इसलिए मुझे अल्कोहल लेना ही पड़ेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हे राम, जो जैसे अपने को चाहे वैसे मोड़ लेता आदमी। हमने कहा तुम्हें मैं ऐसा नशा दे दूंगा जो तुमसे कभी छूटेगा नहीं, करछा भी नहीं लगेगी। ऐसी नशा में आओ, थोड़ा बैठो, सोहम सोहम, थोड़ा प्राणायाम करो, ध्यान करो, देखो क्या होता है। जब अर्जुन ने देखा अपनापन, वहां दुश्मन में अपनापन, अपने लोगों को देखा, उस वक्त थतरा गया, बोला ये सब करके मुझे मिलना क्या। वैराग्य आ गया उसको, इन सबको मार के मुझे मिलेगा क्या। जैसे लोग कहते हैं मरना ही है तो जैसे भी मर जाएंगे क्या फायदा कुछ करके, स्मशान वैराग्य जिसको कहते हैं। अब अच्छा काम करो तो भी मरेंगे, बुरा काम करो तो भी मरेंगे, क्या फायदा अच्छा बुरा करने का, पड़े रहो खाली। ऐसे कुछ पंथ है, संप्रदाय है, वो बोलते हैं किसी सेवा और किसी काम में नहीं विश्वास करते, बोलते कुछ भी नहीं करो पड़े रहो, मक्खी भी आपके ऊपर आके बैठ जाता है, हटाओ क्यों उसको, रहने दो। ये एक सहज अवस्था हो जाए दूसरी बात है, मगर ये मालूम पड़ रहा मक्खी बैठ गया उसको हटाना नहीं करके बैठा है, ये मूढ़ता है। किसी को ये पता ही नहीं चले मक्खी बैठा है कि वो मक्खी और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है, ऐसा एक भाव में स्थित हो जाने की बात अलग होती है। लोग नकल करते हैं इन अवस्थाओं की, ये दिक्कत है। एक पांव पर खड़े रहना 20 साल, इससे फायदा क्या बताओ, भगवान ने दिया क्यों तुम्हें दो पांव। किसी ने कहा कि वो बहुत बड़े महात्मा जी हैं, क्यों वो कुटी से बाहर ही नहीं आते। कुटी से बाहर नहीं आते ये महात्मापन है, श्री कृष्ण ऐसा महात्मापन को बिल्कुल नहीं मानता। तो अर्जुन वही चाहता था कि मैं ये सब छोड़ के जाऊं और शास्त्रों को उद्धारण कर करके कृष्ण को ही उन्होंने कहा तुम क्या मेरे से काम करवाते हो, अब मेरे से नहीं होता, कांप नहीं लग गया। एक दिल की कमजोरी, तो ये अर्जुन विषाद योग सबसे पहला योग है श्रीमद् भगवद गीता में। क्या अर्जुन विषाद योग, गांडीवम संस्कृते हस्तात्, कहते मेरे गांडीव मेरा धनुष गिर रहा है मेरे हाथ से, हाथ पांव कांप रही है, कृष्ण मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला। जब वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ इस तरह से है, जीवन एक संघर्ष है, जब ये संघर्षमय जीवन को देकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वहीं कृष्ण की जरूरत है। आज कृष्ण की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो विदर्भ में जरूरत है। विदर्भ के जितने अपना कृषिक है, खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं, उनके लिए गीता की जरूरत है। अब उनको ये कहना पड़ेगा चलो उठो, संघर्ष है जीवन जानते हैं, मगर इसमें कमजोर पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो अर्जुन का विषाद सबसे पहला सीडी है, गीता की। एक तो ज्ञान की पिपासा हो, फिर वस्तु स्थिति का परिचय हो, फिर विषाद हो, ये तीनों होना ही है, होगा और सबके जीवन में हो रहा है। अब तुम अपना देख लो, तुम कहाँ हो,
तुम अर्जुन हो, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो? तुम अर्जुन हो, नहीं हो तो बनना है, बन ही गए हो मान लो, बनना है भी गलत है, मैं बन गया। और वस्तु स्थिति का परिचय है तुम्हें, या एक पक्ष में हो अभी, बीच में अपना रथ में बीच में नहीं आया हो क्या? बीच में आके देखो, जिसको हम अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, ऑपोजिट वैल्यूज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ताकि एक दूसरे में मिले हुए हैं। एक विलन का यश हीरो, जितना हीरो लड़ता है उतना विलन का यश है, और जितना विलन अच्छा पात्र अपना निभाता है उतना हीरो का यश है। खलनायक और नायक में बहुत बहुत बड़ी समझौता है, बड़ी मित्रता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। ऐसे जहर भी अमृत बन जाता है, जितने लाइफ सेविंग ड्रग्स है आप देखिए वो सब में लिखा पॉइजन, और अमृत भी विष हो सकता है एक मिति से ज्यादा पीने से। तो यहां सब कुछ मिला हुआ है, इसको देखने के लिए बीच में खड़े होना पड़ेगा। तुम जीवन में बीच में खड़े होके देख रहे हो क्या? सिर्फ दूसरों का ही दोष देखते रहते तो दुर्योधन में हो, यदि अपना भी दुर्योधन का भी दोनों देख रहे हो, अपना भी दूसरों का भी, तो बीच में आ गए। यदि तुम अपना भी दोष, अपना भी बल कमजोरी और दूसरों का भी कमजोरी और उनका भी बल को देख रहे हो, उसके लिए बीच में खड़ा हो ना। जीवन में ऐसे बीच की खड़ी में तुम आ गए हो क्या? ये पूछ रहे, ये हुआ आप कुरुक्षेत्र में आ गए। फिर विषादी विषाद कर रहे हो क्या जीवन भर में? दुखी दुख, जहां टूट गए हो, कोई हौसला नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो अर्जुन विषाद योग में ही बने हो। पहला गीता का पहला अध्याय ही चल रहा है तुम्हारा, अब ये पहले अध्याय से फिर दूसरे अध्याय में चलते हैं। ऐसे सबको चल चल के एक ही अध्याय में फंसना नहीं, पहचान ही है पहला अध्याय, फिर सांख्य योग दूसरा अध्याय है। हम लोग फिर कल के अध्याय पे फिर कल विचार करेंगे। अच्छा, कोई प्रश्न हो तो सब लिख के ले आना। प्रश्न है क्या कुछ? हाँ, दो तीन प्रश्न है तो पूछ लें, उसके बाद कुछ सत्संग कर लेंगे। गुरुजी, हाँ गुरुजी, सेवा क्या है? जब आपको कोई चीज की जरूरत हो तो वो आप खुद नहीं कर पाते हो, ना खरीद पाते हो उसको, कोई आपको करे मदद करे, उसी को सेवा कहते हैं। सेवा मने साईवा, उसके जैसे काम करना, जैसे ईश्वर तुमको करता है और बदले में तुमसे कुछ भी नहीं चाहता है, एक थैंक्स भी नहीं चाहता है। लोग हमसे पूछते थे कि कम्युनिस्ट रशिया में तो भगवान ईश्वर ईश्वर को मानते ही नहीं है, भगवान उनको भी सुख सबको सुख सुविधा संपदा सब देता है, नास्तिकों को भी उतना ही देता है जितना आस्तिकों को देता है। तो मैंने कहा ईश्वर ने बदले में कुछ नहीं करता, तो आप उनको पूछते हो इसीलिए तुम्हें करें, ऐसा नहीं करता। इस सबको देने वाला दाता सबके एक हैं, तो सबको देता है, वही सेवा साईवा, उनके जैसे हम भी करें, जिनको जो जरूरत है वो हम करें, उनसे कुछ प्रतिफल का अपेक्षा ना करते हुए करें, उसको सेवा करते। हाँ आगे गुरु जी, कुछ लोगों का विचार है कि आध्यात्मिक पथ पर गुरु की आवश्यकता नहीं है। किसका? आध्यात्मिक पथ पर गुरु की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या कुछ ही लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है? हाँ, वो ऐसा उनको मानना है तो उनका मान्यता है, ऐसे
तो कभी उनको लगे हम नहीं जानते, कुछ और भी है, कोई और जानते हैं, फिर उनसे जाके प्रश्न पूछते हैं, तो जैसा प्रश्न उठा तो फिर गुरु की आवश्यकता हो ही गई। जिसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, सब प्रश्न हल हो गया हो, ऐसे लोगों को गुरु की आवश्यकता नहीं है। मगर एक भी प्रश्न उठता हो जीवन में, तब जानकार के पास जाते ही हो प्रश्न लेके, वह जानकार तुम्हारे लिए चाहो या ना चाहो गुरु बनी गए। जैसे कोई कहे मुझे वैद्य की आवश्यकता नहीं, अपने आप दवा कर लो, ठीक है कर लो, मगर कभी तो पड़े किसी से पूछना पड़े मुझे क्या बीमारी है, मेरे पीठ में देखो क्या मुझे लगा है वहाँ, तो वो डॉक्टर फिर डॉक्टर बनी गए ना, जिनसे भी आप सलाह लेते हो दवा लेते हो। कई बार लोग कहते हैं मुझे डॉक्टर मत बोलो मगर मैं दवा दे दूंगा तुम्हें, जय कृष्णमूर्ति यही कहते रहे, मैं बोलता हूँ तुम इस बात को सुनो मगर मुझे, मैं गुरु नहीं हूँ, सलाह देता हूँ, वो तो ऐसी बात हुई। गुरु जी, बहुत से लोग धर्म कार्य में बहुत धन लगाते हैं, कुछ धनाढ्य लोग धर्म में पैसा लगाते हुए अपने व्यापार का प्रचार मांगते हैं, क्या ऐसे धर्मार्थ कार्य करने से पुण्य प्राप्ति होती है? ये उत्तम तो नहीं है मगर कम से कम कुछ तो होता है, लेने वाले के देने वाले के लिए तो होता ही है कुछ लाभ, तो उत्तम। इसलिए उपनिषद में कहा है जिसी भी तरह से दो, श्रिया देयम, हिया देयम, संविदा देयम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो, जैसे भी दो, ताकि श्रद्धा से दोगे तो तुम्हारे लिए भी लाभ है, अश्रद्धा से लोग दोगे तो कम से कम उनके लिए लाभ है, तुम्हारे लिए ना भी सही। गुरु जी, परमात्मा परम शक्तिशाली है, वो तो कहीं से कुछ भी कर सकता है, तो परमात्मात्मा को क्या आवश्यकता थी मनुष्य अवतार लेने की? हाँ सच बात है, मेरे पास भी ऐसे कई प्रश्न हैं, परमात्मा की ये क्या आवश्यकता थी दो आंख एक ही जगह रखने की, एक सामने एक पीछे रख देते तो पीछे मोड़ के देखना नहीं पड़ता, ऐसे आंख खोलो तो पीछे क्या है सब दिख जाता लोगों को, दो नासिका एक ही जगह रखने की क्या जरूरत थी, कान में कोई ढक्कन नहीं इसकी क्या जरूरत, ढक्कन कर देते कान पर, और कोई सुन रहा हो तो कान खुली हुई हो, कोई सो रहा हो तो कान बंद हो जाता, तो वक्ता के लिए भी दिख जाता था दादी को इतने सौ लोग सुन रहे हैं इतने नहीं सुन रहे हैं। परमात्मा को आइडिया बैंक की थोड़ा कमी है, चलो हम और तुम मिल के दे देंगे थोड़ा और आइडिया अगले सृष्टि में, सही अभी नहीं तो। हाँ नकारात्मक टेंडेंसी से निकलना क्या संभव है? निकलना क्या संभव है, बिल्कुल संभव है, ताकि ये सब वृत्तियां हैं नकारात्मक वृत्तियों से जरूर निकल सकते हैं। अब बच्चों को देखिए, बच्चों में सब नकारात्मक वृत्तियां नहीं बनी, यदि रहती भी है तो थोड़ी देर के लिए रहती चली जाती, हम उसको पकड़ के जकड़ के बैठ जाते हैं, बच्चे भी गुस्सा करते हैं दूसरे क्षण मुस्कुराने लगते हैं, रो ही रहे हैं मगर हंसने लग जाते हैं, मगर आप रोते हो तो महीनों भर रोते रहते हो, साल भर कभी चला जाता, जिंदगी भर चली जाता ऐसे। किसी ने पूछा एक व्यक्ति से, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रहा, शक्ल ही ऐसा आएगा, हम ऐसा कर करके रो रो कर शक्ल ऐसा बना लिया हमने। नकारात्मक वृत्ति ये वृत्ति ही है, इस वृत्ति से निरोध का नाम ही योग है। यदि प्रकृति में देखें तो शेर बकरी को मारता है, सांप चूहा खाता है, क्या प्रकृति हत्या के विरुद्ध नहीं है? प्रकृति में संहार एक उसका अंग है, प्रकृति का एक अंग है संहार, सृष्टि स्थिति संहार होता है, मगर वो प्राणी पशु पक्षी भी अपने मौज मजाक के लिए नहीं मारते, जब उनको भूख लगे वो भूख के मारे वो मारते हैं उसको,
और एक कहावत है, कहते हैं कि यदि शेर इतना एक्टिव हो जाए जंगल में, सारे प्राणियों को एक ही दिन में मार डालेगा। नहीं, वो एक शिकार करता है, कई दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद फिर दूसरा शिकार करता है, बैठा रहता है अपना। तो पशु पक्षी प्राणी भी एक आक्रोश से, क्रोध से किसी को मारते नहीं। देखिए, जो भाव है, इंटेंशन है, उसी से पता चलता है ये हिंसा है कि अहिंसा। पशु पक्षी मारते हैं तो क्रोध से नहीं, आक्रोश से नहीं, द्वेष से कभी नहीं मारते। वे जाके उनको इतना प्यार से, उसकी जीभ में पानी लगने लगता है, पानी आने लगता है, वो जाके एकदम अपना जो शिकार को कर लेते हैं। बस एक करते हैं तो बाकी सबको मैं करते हैं। तो मगर हम, आप भी ऐसा प्राणी हो के पता नहीं कितने क्या मारा मारी करी, कितने क्या खाया क्या पिया, अब तो मनुष्यों नहीं आया, अभी भी वही करना है क्या? बिल्कुल नहीं, थोड़ा आगे तो बढ़ो। अब अहिंसा के पथ पे चलो, मान लो पशु पक्षियों में हिंसा है ऐसा भी यदि मान लोगे तुम, अब तो अहिंसा के पथ पे चलो ना, अब छोड़ो ये सब सड़ी हुई चीजों को, क्या खाना है, मांस मच्छी सब छोड़ना चाहिए, सब शाकाहारी बनना चाहिए, वो शरीर के लिए उत्तम है। मैं कई तरह का तर्क दे सकता हूं, वैज्ञानिक ढंग से तर्क दे सकता हूं, धार्मिक ढंग से तर्क दे सकता हूं, सामाजिक ढंग से, इतना सब तर्क सुनना है क्या? ये वैसे मान लोगे, वैसे मान लो यार, यार क्यों, क्या तर्क तर्क सब सुन करके हाँ बोलोगे कि लगता ही है, सुना भी है। सात्विक आहार, वो आगे गीता में आएगी कि सात्विक आहार क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है। तुम्हें तामसिक और राजसिक रहना हो तो इस तरह से सब खाना खाओ, सात्विक आना हो, जीवन में प्रकाश का उपलब्धि करना हो तो सात्विक आहार की जरूरत है, ठीक है ना? हाँ, आखिरी प्रश्न। भगवान को ये संसार बनाने की आवश्यकता क्या थी? अरे मेरे लिए भी तो कुछ काम चाहिए था, भगवान ने संस्कार वन नहीं बनाया तो मैं क्यों आता इधर? हाँ, अकेले रह रह के बोर हो गया, अपने पुराणों में यही है कि भगवान अकेले रह रह के उनको बोरियत आ गई, फिर बोले कि मैं बहुत हो जाऊंगा, एको हम बहु श्यामा, मैं बहुत बन जाऊंगा, तो वो अपने आप ये बहुत बन गए। इतने सारे देखो, कितने सारे भगवान बैठे हैं हमारे सभा में, तो भगवान ही भगवान। वो कहते ना, क्या लोग कहते हैं, खुदा नजर नहीं आता, उनको भेज दो इस सत्संग में, लोग कहेंगे खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जे जे राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जे जे राधा राधा रमण।
हरि बोल हरि हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल बोल जय जय राधा रमण